हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम व्हाट्सएप पर भेजी हुई इमेज को डायरेक्ट प्रिंट करते हैं तो उसकी प्रिंट की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है और उसकी प्रिंट की क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि उसकी प्रिंट की क्वालिटी वही रहे, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन तो ये है कि आप जिस भी व्हाट्सएप इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं उसकी एक आप पीडीएफ बना लें, और पीडीएफ बना करके जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो उसकी प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी। तो व्हाट्सएप इमेज को पीडीएफ में बदलने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पीडीएफ मेकर ऐप। तो प्ले स्टोर से आपको इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है पीडीएफ मेकर ऐप। व्हाट्सएप इमेज को पीडीएफ में बदलने के लिए आपको और भी कई सारे ऐप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप पीडीएफ मेकर ऐप को ही इंस्टॉल करें क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। हमने इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है तो ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फोटो टू पीडीएफ, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ और क्रिएट पीडीएफ। क्रिएट पीडीएफ में आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और फोटो टू पीडीएफ में जाकर के आप किसी भी इमेज को पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हम सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जिस भी फ़ोटो को आप पीडीएफ में बदलना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपकी फ़ोटो यहां पर नहीं है और आप फोल्डर के माध्यम से इसे देखना चाहते हैं तो आप ऑल मीडिया पर क्लिक करके आप फोल्डर के माध्यम से भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए इस वाले फ़ोटो को पीडीएफ बनानी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे आपको अप्लाई का बटन दिख रहा होगा। आप चाहे तो एक ही फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से अधिक फ़ोटोज़ को भी पीडीएफ बना सकते हैं। तो हमें अभी एक ही फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। तो जैसे हम इस फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, हम इसे अप्लाई कर देंगे। जैसे हम अप्लाई करते हैं हमारी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है। अब हम मेक पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। आप यदि इसको नाम देना चाहते तो नाम भी दे सकते हैं, तो हम इसे कुछ भी नाम दे देते हैं। हमने इसे नाम दे दिया है, अब हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं हमारी इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम एक बार बैक आएंगे और आपकी इमेज को यहाँ पर हिस्ट्री में जा कर के देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी पीडीएफ तैयार हो चुकी है AAA नाम से, और आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारी DCIM में आई हुई है। तो आप इसे पहले क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, और यदि आप इसे फोल्डर में देखना चाहते हैं तो फाइल मैनेजर में जाके आप DCIM में भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फाइल मैनेजर में आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में AAA वाला PDF यहाँ पर मौजूद है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपकी इमेज की क्वालिटी काफ़ी बेहतर आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।